अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका भी पर्सनल फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो गया है और आप भी दोस्तों फेसबुक के लिंक्स हेल्प लिंक यूज़ करके अपने आईडी को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं? तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है दोस्तों। आप सब लोगों के पता ही है कि फेसबुक के लिंक्स काम नहीं करते। जो यूट्यूबर आप लोगों को बताता है दोस्तों के फेसबुक के लिंक्स यूज़ करके आप अपने डिसेबल फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, तो सर दोस्तों ये झूठ है। फेसबुक के लिंक्स आजकल काम नहीं कर रहे कोरोना की वजह से। जैसे ही आप यूज़ करते हैं दोस्तों तो नीचे ये ऑप्शन आप लोगों को आ रहा होता है, वी कैन नॉट रिव्यू योर डिसीजन टू डिसेबल योर अकाउंट। जब आप दूसरी हेल्प लिंक यूज़ करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपील लिखते हैं कि सर माई पर्सनल फेसबुक अकाउंट वॉज डिसेबल। दोस्तों ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों कि फेसबुक के लिंक्स काम नहीं करते कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से आप लोगों ने दोस्तों फेसबुक के साथ कैसे कंटेक्ट करना है, काफ़ी सारी वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा दोस्तों कि आप फेसबुक टीम के साथ कैसे कंटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने आईडी कार्ड भी सेट कर दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए दोस्तों ये बता रहा हूँ कि ये फेसबुक के लिंक्स काम नहीं करते आगे से। वी कैन नॉट रिव्यू योर डिसीजन टू डिसेबल योर अकाउंट की प्रॉब्लम आ जाती है इससे आगे। दोस्तों लिंक्स का तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फेसबुक के लिंक्स काम नहीं करते कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो आप फेसबुक को, फेसबुक टीम को आप कैसे अपील कर सकते हैं, अपने डिसेबल फेसबुक अकाउंट को कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से, मैं डेली करता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे एच ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसे सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जीमेल को ओपन करना है। जीमेल से आप लोगों ने अपील करनी है फेसबुक टीम को। अपील सिर्फ जीमेल से करनी है, फेसबुक के लिंक्स काम नहीं करते। दोस्तों बार बार मैं ये रिपीट करूं कि फेसबुक के लिंक्स काम नहीं करते, तो आप लोगों ने बेवकूफ़ी नहीं करनी दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ हेल्प लिंक्स मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अपील मैं आप लोगों को दे नहीं दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, अपील मैं आप लोगों को हाफ दूंगा, और हाफ यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो में वॉच करना है, क्योंकि आप वीडियो को फुल एंड तक देखते नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती दोस्तों। हाफ में आप वीडियो छोड़ देते हैं दोस्तों, नीचे से आप लोग डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आगे से आप लोगों को कोई पता नहीं होता कि इसको कैसे सेंड करना है, फेसबुक टीम के साथ कैसे कंटेक्ट करना है, कोई पता नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे एक हेल्प ईमेल मैंने पेस्ट कर दिया दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है disable@support.facebook.com। ये कुछ हेल्प ईमेल है दोस्तों जिसको आप यूज़ करके फेसबुक टीम के साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। मैं इन्हीं ही हेल्प लिंक को यूज़ करता हूँ दोस्तों अकाउंट रिकवर होने में। जैसे ही मैं कोई भी अकाउंट डिसेबल हो जाता है या कोई हेल्प लेता है मेरे से, तो मैं इसी हेल्प लिंक को यूज़ करता हूँ दोस्तों अकाउंट रिकवर होने में। आप लोगों के पास दोस्तों रियल आईडी कार्ड होना चाहिए, या आप फेक आईडी कार्ड भी बना सकते हैं जिस पे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है दोस्तों, पर्सनल फेसबुक अकाउंट वाज या डिसेबल अपील। अपील करनी है हमने फेसबुक टीम को कि भाई मेरा फेसबुक अकाउंट बिला वजह क्यों डिसेबल हुआ है, ऐसी कोई सी रीजन है सर, माय ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट वाज डिसेबल सर, आई डू नॉट पोस्ट एनी। अपील दोस्तों छोटी सी नहीं लिखनी, बड़ी सी अपील लिखनी है ताकि फेसबुक टीम इसको रीड कर सके। आप छोटी सी अपील लिख देते हैं कि सर माय पर्सनल फेसबुक अकाउंट वाज डिसेबल, सर आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज रिकवर माय पर्सनल फेसबुक अकाउंट। ये कोई अपील नहीं है दोस्तों, ये तो जान छुड़ाने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी लंबी अपील लिखनी है दोस्तों, यहाँ से आप लोगों ने अपील जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, और ये अपने पास आप दोस्तों नोट कर लें। मैं आप लोगों को हाफ अपील दूंगा डिस्क्रिप्शन में,
हाफ यहाँ से आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करना है और हाफ आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट करना है। सर आई फॉलो फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइन, सर आई यूज फेसबुक हेल्प लिंक्स बट इट डजेंट वर्क। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। डिसेबल फेसबुक अकाउंट, काफी सारी प्रॉब्लम यानी 90% लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दोस्तों। मैं हर किसी का फेसबुक अकाउंट रिकवर नहीं कर सकता, तो ये मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। इसी ट्रिक को आप यूज़ करके डिसेबल फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, अपील के साथ। फेसबुक के लिंक्स काम नहीं करते, आई रिपीट, सर आई यूज माई ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट, माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेम या मैच विद माई आईडी कार्ड। दोस्तों आजकल फेसबुक अकाउंट बहुत ही सिक्योर हो चुका है, इसलिए आप अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम टू सेम रखें। दोस्तों अगर आप फेक अकाउंट भी यूज कर रहे हैं तो नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम रखें। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई आईडी में तो आप बहुत ही आसानी के साथ रिकवर कर सकते हैं। अगर आपकी नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होगी दोस्तों आईडी कार्ड के साथ, तो आपका फेसबुक अकाउंट परमानेंट डिसेबल ही रहेगा और वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं होगा। तो याद रखें दोस्तों कि नेम और डेट ऑफ बर्थ बहुत ही जरूरी है। जब भी आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो जाता है या लॉक्ड हो जाता है या कंफर्म यू आइडेंटिटी पे जाता है दोस्तों, तो ये अपील मैंने लिख दी है दोस्तों, और अपील मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सही है दोस्तों, थैंक्स फेसबुक टीम, लास्ट में लिख देना है, लंबी अपील है दोस्तों, छोटी अपील से कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल देने देना है, वही ईमेल देना है दोस्तों जो आपके फेसबुक अकाउंट में रजिस्टर्ड है और वह अकाउंट डिसेबल हो गया है, चाहे वो आपका यहू अकाउंट है, चाहे वो आपके जीमेल अकाउंट है। और ये यहू अकाउंट और जीमेल अकाउंट आपके आईडी में लॉगिन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फेसबुक टीम वाले रिप्लाई आपकी जीमेल अकाउंट पे ही करेंगे। कंट्री आप लोगों ने सेलेक्ट कर दी नहीं दोस्तों, तो ये जिसकी आईडी मैं रिकवर कर रहा हूं दोस्तों, तो ये सऊद अरेबिया। सऊद अरेबिया का दोस्त है दोस्तों। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं उसी को फॉलो करें, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही कमाल की ट्रिक दोस्तों। फुल नेम आप लोगों ने लिखना है दोस्तों, स्टाइलिश नेम बिल्कुल अलाउड नहीं है, स्टाइलिश नेम का फेसबुक अकाउंट कभी भी रिकवर नहीं होता, ये याद रखें दोस्तों। उसके बाद आप लोगों ने आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है जिस पे आपका नेम डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद सिंपल सा आप लोगों ने सेंड कर देना है दोस्तों, फेसबुक टीम को आप लोगों ने इसको सेंड कर देना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये मेरा मैसेज फेसबुक टीम को सेंड हो गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, फेसबुक टीम को ये मेरा मैसेज सेंड हो गया है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने 24 घंटे वेट करना है, फेसबुक टीम की तरफ से एक रिप्लाई आएगा दोस्तों, यहाँ पे थैंक्स यू आर सबमिटिंग योर आईडी। तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने अपनी आईडी लॉगिन कर दी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।